नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर राजेंद्र में। दोस्तों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेल साइकिल रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स। ठीक है, ये टॉपिक एक बार मैंने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ज़्यादा है और मुझे लगा कि शायद जब डिमांड आएगी तो मैं ये टॉपिक कराऊंगा। तो मेरे पास डिमांड आई तो आज मैंने शुरू कर दिया ये टॉपिक। इसको जैसे इसका पहले वीडियो एक बनाया था मैंने थोड़ा सा, मतलब तो उसमें क्या थोड़ी क्वालिटी वगैरह आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए चलो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, हालांकि वो इससे थोड़ा अलग होगा। अच्छा, एक बात और शेयर करना चाह रहा था मैं, जैसे आप लोग जैसे कोई ज्योग्राफी क्लासेस पढ़ना चाहें तो मेरे एक मित्र हैं जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं IICS इलाहाबाद। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, यूट्यूब पे इनकी क्लासेस बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार ये चैनल देख लेना और पसंद 100% आपको पसंद आएंगे वीडियो, तो आप एक बार जरूर देखना इसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेल साइकिल इन यूकेरियोट्स। देखो इसमें हमने देखा था ये जो है G1S और G2 सेल साइकिल जो होता है, मतलब साइकिल जैसे मान लो सेल साइकिल यहां से शुरू हुआ तो वापस आकर यही खत्म होगा जहां रेस शुरू होती है, या फिर हम बोलेंगे जहां रेस का एंड होता है, शुरुआत भी वहीं से होती है। ठीक वैसे यहां पर साइकिल है, तो इसमें हमने इनको देखो G1S और G2 तीन स्टेजेस तो ये है, चौथी है एम फेज या माइटोटिक फेज। ठीक है, इसे हम बोलेंगे माइटोटिक फेज बोल सकते हैं। ठीक है, G1S G2 को मिला के बोल देंगे हम इंटरफेज। ये क्या है? इंटरफेज या अंतरावस्था, और ये क्या है? डिवीजन फेज। ठीक, या माइटोटिक फेज। तो G1 फेज में देखो एस फेज का पूरा नाम है सिंथेसिस या संश्लेषण, ऐसी फेज जिसमें संश्लेषण हो रहा हो। किसका संश्लेषण होता है? पहला DNA सिंथेसिस होगा इसके अंदर, सेकंड सेंट्रियोल को बोलते हैं तारक केंद्र। ठीक है, तो ये हो गई सिंथेसिस फेज, संश्लेषण फेज। संश्लेषण से पहले वाली फेज क्या बोलेंगे? संश्लेषण से फर्स्ट वाली, इसे बोलेंगे प्री सिंथेटिक फेज। G1 फेज है, इसे बोलते हैं GAP गैप वन फेज, और गैप वन का दूसरा नाम है, चलो यही पेन यूज करूंगा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सिंथेसिस से पहले वाली प्री सिंथेसिस फेज। इस वीडियो को मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आज हम सिर्फ रेगुलेशन की बात करेंगे। तो गैप वन फेज या प्री सिंथेटिक फेज है, इसका काम क्या है कि यहां जो चीजें हो रही है उससे उसकी तैयारी करना। ठीक है, तो देखो एक तो यहां पर एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट। ठीक है, इस चेक पॉइंट पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है साइक्लिन डी प्लस CDK6 या CDK4 या CDK6 कोई हो सकता है, साइक्लिन डी CDK6 भी हो सकता है, CDK4 दो होता है। ठीक है, अब फिर आप यह समझ लो साइक्लिन क्या होता है, CDK क्या होता है। देखो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये तो है साइक्लिन और ये क्या है CDK। CDK का पूरा नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या नाम है इसका? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज।
मतलब ये वाला भाग है ये एक एंजाइम है, और ये वाला भाग ये प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है ये, इसे बोलेंगे हम रेगुलेटरी प्रोटीन, मतलब नियंत्रणकारी प्रोटीन। ये क्या करेगी, इसका नियंत्रण करेगी। दो प्रोटीन है, जब तक साइक्लिन इससे जुड़ी रहेगी तब तक ये काम करेगा, जब साइकिल नहीं रहेगी साइक्लिन तो ये काम नहीं करेगा। बस ये चीज ध्यान देना, ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा एंजाइम और अपना काम करेगा। एंजाइम कौन सा है, काइनेज। इस काइनेज का काम क्या होता है, इसका काम होता है फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इससे काम होता है, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। इसका काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन। देखो ये तो क्या हो गया, नियंत्रणकारी प्रोटीन। ये क्या करेगी, इसका काम क्या है, नियंत्रण करना या रेगुलेशन करना। और ये क्या है, एक एंजाइम है सीडीके, काइनेज एंजाइम है। ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फोरिलीकरण करेगा, मतलब क्या करेगा, फॉस्फेट जोड़ेगा या हटाएगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेज फॉस्फेट को एड करने वाला, जोड़ने वाला। ठीक है, एक होता है फॉस्फेटेज, वो उसको हटाता है फॉस्फेट को। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइक्लिन डी है, मतलब ये कौन सा है, साइक्लिन डी वाला है। और ये सीडीके कौन सा है, फोर। ठीक है, ये फोर भी हो सकता है और ये सिक्स भी हो सकता है, फोर और सिक्स। सीडीके सिक्स है, ये फोर भी हो सकता है, ध्यान रखना। दो दो सीडीके होते हैं, फोर और सिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्री सिंथेटिक फेज है, इसमें क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस करने जो होता है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, एक है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेगुलेशन की। देखो एक चेक पॉइंट ये हो गया, एक चेक पॉइंट ये होता है यहाँ पे, जैसे ये साइक्लिन डी और सी डी के सिक्स है, यहाँ पे कौन सा होगा, साइक्लिन ई प्लस सी डी के टू। ठीक है, एक चेक पॉइंट ये है साइक्लिन ए प्लस सी डी के टू। एक चेक पॉइंट ये है साइक्लिन बी प्लस सी डी के वन। देखो इसे हम बोलते हैं MPF, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। साइक्लिन बी और सीडीके को क्या बोलेंगे हम, MPF। अभी इसमें फंक्शन देखेंगे, एक होता है ये होती है एनाफेज, यहाँ पे फर्स्ट एम फेज है ना, एनाफेज, फिर मेटाफेज, फिर होती है टीलोफेज। ठीक है, कौन सी, टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज स्टेज होती है, एक होती है यहाँ पर, सॉरी एक टीलोफेज से पहले मनाते हैं एनाफेज, एक होती है टीलोफेज। एनाफेज पे कॉम्प्लेक्स काम करेगा एपीसी सीबीसी 20, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और ये है एपीसी सीबीएच 1। बस इस तरह से यूकेरियोट्स में क्या होता है, रेगुलेशन होगा। देखते हैं क्या क्या होता है। देखो सबसे पहला वाला ये सी डी के साइक्लिन डी एंड सी डी के सिक्स, ये क्या करता है, ये जब एक्टिव होगा, एक्टिव होते ही ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा साइक्लिन डी को, मतलब एक्टिव होते ही क्या करेगा, साइक्लिन ई जो ये हम बोलेंगे जीवन साइक्लिन जो ई है, इसका सिंथेसिस करेगा एंड एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्या करके इसका सिंथेसिस करेगा, इसको बनवाएगा प्लस इसका एक्टिव करवाएगा। कौन ये, सेकंड काम, जैसे मान लो कोई सेल है ये वाली, ये ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद इस साइकिल में एंटर होगी, तो ये जो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, सेल की ग्रोथ, सेल का डीएनए डैमेज है या सही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर अगर सेल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है, मतलब सेल छोटी है या डीएनए है वो डैमेज हो चुका है, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर इधर से बाहर ले आएगा G0 फेज में या G0 फेज। ठीक
ठीक है, और जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो वापस इस साइकिल में आ जाएगी। ठीक है, जी साइकिल डी का काम क्या है कि सेल को जी नॉट फेज में ले जाना। क्यों ले जाना? क्योंकि उस सेल की साइज कंप्लीट नहीं है, ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, या डीएनए उसका डैमेज हो रहा है। ठीक है, दो चीज देखेगा, हो सकता है इसका जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है बना ही नहीं हो, इस तरह से मतलब कोई भी कमी होगी ना तो इसको रोक देगा। अगर सही है तो इसको यहाँ से पास कर देगा, तो मतलब ये चेक पॉइंट है, इसे बोलते हैं स्टार्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? स्टार्ट पॉइंट। ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस करने के लिए साइकिल डी और सी डी के 6 काम आता है या 4 काम आता है। फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो साइकिल ई एक्टिव होगी, एक्टिव होते ही क्या करेगी? अच्छा, एक इसका फंक्शन और देख लेते हैं कि यहाँ पे CDH1 ये जो वाला प्रोटीन है इसको क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा, खत्म कर देगा, इसको तोड़ देगा, ये वाला APCCD पूरा लिख लो इसको, APC NFS प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDH1 जो कॉम्प्लेक्स है इसको तोड़ देगा। इसको तोड़ने से क्या होगा वो हम इसके फंक्शन में देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो काम हो गए इसके, दो काम होने के बाद में साइक्लिन ई प्रॉपर काम कर रहा है तो फिर क्या करेगा इसको, ये जीवन फेज में, मतलब साइक्लिन ई का फंक्शन क्या है, जीवन से एस फेज में भेजने का काम कौन करेगा, साइक्लिन ई, जीवन से एस, जीवन से एस। ये क्या कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट को चेक कर रहा है। अच्छा, इसको यूक्रेट में बोलेंगे हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, ये भी ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट ये ध्यान रखना। फिर एस फेज में आ गए, एस फेज में सब कुछ सही चल रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, सेल ऑर्गेनेल भी बन गए। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस से मतलब यहाँ पे ये है कि कोई सेल है वो 2N है, वो 2N ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर मतलब डीएनए का 2X था वो क्या हो जाएगा 4X, डीएनए का डबल होगा, ये ध्यान रखना, डीएनए डबल होगा ना कि क्रोमोसोम। ठीक है, ये हम पढ़ चुके पहले, बस थोड़ा बताना चाह रहा था यहाँ पे। फिर जब सब कुछ सही हो जाएगा, डीएनए रिप्लिकेशन हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन बन जाएगी, हिस्टोन ही बनेगी यहाँ पे, सब कुछ बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से एस से जी टू फेज में जाने के लिए जो प्रोटीन काम आएगी उसे बोलते हैं हम साइक्लिन ए एंड सी डी के 2, साइक्लिन ए एंड सी डी के 2। इसके बाद जो प्रोटीन है कौन सी वाली है, जी टू माध्यम में क्या होगा कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एमपीएफ का पूरा नाम क्या है, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, इसे हम बोलते हैं माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साइक्लिन बी और सी डी के 1 कॉम्प्लेक्स है ये काम आता है किसके लिए, जी टू से एम फेज के जाने में, ट्रांजिशन में। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, छोटा लेवल में पूछ लेते हैं कि जी टू से एम में जाने के लिए कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काम आएगा, वो है साइक्लिन बी एंड सी डी के 1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब जो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट मतलब है कि जैसे अपन कोई हाईवे पे जा रहे हैं तो बीच में जैसे कोई पुलिस चौकी आ गई या फिर कोई चेक पोस्ट आ गई तो चेक करता है कि भाई आप जो जा रहे हो तो आप प्रॉपर इस देश के नागरिक हो, आपके पास कुछ उल्टा सुलटा सामान तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप या तो कुछ पैसे दे के पीछे छुड़ा लोगे या फिर आप गिरफ्तार हो जाओगे, रोक देंगे आपको वहाँ पर। ठीक, वैसे ही यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो मतलब अगर सेल साइकिल में कुछ कमी रह गई, सेल के अंदर कुछ कमी रह गई, ठीक है, डीएनए डैमेज है या फिर उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई है या फिर कोई म्यूटेशन हो गया है, कोई परिवर्तन वगैरह, तो उस सेल को वहीं रोक दिया जाता है, उसको डिवीजन नहीं होने दिया जाता। अगर मान लो कोई गड़बड़ होने के बाद भी डिवीजन होता है तो कैंसर हो जाता है। ठीक है, फिर ध्यान देना, इतना समझ में आ गया आपके कि साइक्लिन बी और सी डी के 1 क्या कर रहा है, जी टू से एम में जाने के लिए। अब देखो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, एक तो APC CDC 20, ये देख लेते हैं, एनाफेज, एपीसी मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स 20, CDC 20, सेल डिवीजन साइकिल 20, ये नाम दिए गए प्रोटीन के, जिसने डिस्कवर किया था प्रोटीन को या एंजाइम को उसने वो नाम दे दिया। क्या नाम दिया? एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC 20, सेल डिवीजन साइकिल 20, ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है एक तरह से, ये क्या है, एक प्रोटीएज है। क्या है ये? प्रोटीएज। प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, जैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसलिए इतना ही बताऊंगा, ये क्रोमोसोम है,
ठीक है। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, एनाफेज स्टेज है, इस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, प्रोटीन होती है, इन दोनों क्रोमेटिड को जोड़े रहती है। इस प्रोटीन का नाम है क्या, सिक्यूरिन, सिक्यूरिन प्रोटीन। ये सिक्यूरिन प्रोटीन क्या करती है, इन दोनों को जोड़ती है। CDG20 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इन दोनों को अलग अलग कर देगा, तोड़ देगा। ऐसे मान लो अभी जुड़े हुए ही हैं, ठीक है, लेकिन जो सिक्यूरिन है इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। APC20 क्या करेगा, APC CDC20 क्या करेगा, सिक्यूरिन इसको तोड़ देगा, ब्रेकडाउन। जिससे क्या होगा कि ये क्रोमोसोम इधर जाएगा और ये क्रोमोसोम इधर से खिंच जाएगा, मतलब आपस में दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन, ये काम कौन कर रहा है, APC CDC20 कहाँ पे हो रहा है, एनाफेज में। एनाफेज के अंदर क्या करेगा, एनाफेज के बाद में नेक्स्ट जो प्रोटीन है ये वाला APC CDS10, APC CDH1, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह से प्रोटीएज है, क्या है ये भी एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज मीन्स प्रोटीन को तोड़ने वाला। देखो अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने बनाया था एक ये वाला कॉम्प्लेक्स, ऊपर वाला बनाया था साइक्लिन और नीचे वाला क्या बनाया था, सीडीके, ठीक है। तो ये प्रोटीएज क्या करेगा, इस साइक्लिन को तोड़ देगा, किसको, साइक्लिन ब्रेकडाउन। देखो साइक्लिन टूट जाएगा, ये तो साइक्लिन को तोड़ दो, टूट गया, बचा क्या, सीडीके, CDK, CDK यहाँ पे जो एक्टिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि CDK है वो जब तक साइक्लिन रहेगा तभी काम करेगा। तो मतलब इसने क्या किया, CDH1 ने साइक्लिन B और CDK1 कॉम्प्लेक्स है इसको तोड़ दिया। ये क्या करा रहा था, सेल साइकिल को आगे बढ़ा रहा था। अब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। देखो सेल साइकिल या CDS1 है, ये क्या करेगा, प्रोटीएज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, ये टूट गया, टूटते क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो गया, यहाँ आते ही इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जीवन फेज आ जाएगी वापस साइटोकाइनेसिस के बाद में, यहाँ से साइटोकाइनेसिस होगा और जीवन फेज आ जाएगी। जीवन फेज आते ही क्या, साइक्लिन डी क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, क्योंकि ये अलग हो जाएगा ना बाद में, तो क्या होगा, ये साइक्लिन को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, हमें साइक्लिन सिंथेसिस करना है, भले G1 हो चाहे S हो चाहे G2 हो, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन आपके समझ में आ गया, तो साइकिल चलता रहता है इस तरह से। देखो ये एक मतलब थोड़ा हायर लेवल का टॉपिक था, थोड़ा सा मतलब ये NCERT वगैरह में नहीं आता, मतलब इतना 11th 12th में नहीं है, BSc लेवल पे भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा थी तो मैंने चलो डाल दिया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ जो मेरा मित्र का चैनल है एक बार वो जरूर देखना, IISc इलाहाबाद, ठीक है, नमस्कार।